इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज. ये लाइन चार्ज क्या होता है? चार्ज जब लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको लाइन चार्ज बोलते हैं. चार्ज जब लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको लाइन चार्ज बोलते हैं. और इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब लाइन या लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी है. उस बहुत बड़ी एक वायर की वजह से हमें आर नॉट डिस्टेंस दूर, इसके परपेंडिकुलर आर नॉट डिस्टेंस दूर हमें क्या निकालना है? ई निकालना है. ये क्वेश्चन है. तो अगर मुझे यहाँ पर आर निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर नॉट और लाइन चार्ज है तो डेंसिटी क्या यूज़ करेंगे? लैम्डा, क्योंकि लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लैम्डा यूज़ करते हैं. तो इसका अगर आप एक्चुअल इंटीग्रेशन देखें तो लंबी इंटीग्रेशन है. हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट छोटा तरीका भी है. तो एक्चुअल तरीका इंटीग्रेशन का क्या है कि आप इसका एक एलिमेंट, एक एलिमेंट ऊपर नीचे लें तो ये एलिमेंट और यहाँ प्लस वन रखें तो ये एलिमेंट इसे रिपेल करेगा, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा. ये एलिमेंट इसे रिपेल करेगा, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा. जैसे सर्कुलर रिंग में किया था थीटा 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 थीटा, तो डी ई के कॉम्पोनेंट से डी ई कॉस, डी ई साइन, इसके भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं साइन साइन कैंसल, टू डी ई कॉस थीटा. तो अभी तक हमने लाइन चार्ज के सिर्फ दो कॉम्पोनेंट्स लिए. वो दो कॉम्पोनेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सिस पे क्या आया? टू डी ई कॉस थीटा. तो एक कॉम्पोनेंट कितना फील्ड लगा रहा है? डी ई कॉस थीटा. तो रिंग में भी ऐसे ही किया था. तो एक कॉम्पोनेंट लेंगे डी ई कॉस थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके हमारे पास आंसर आएगा. तो हमने इस मेथड को करना नहीं है. हालांकि कोई देखना चाहे तो कर ले, पर इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई पूछी जाती है. इसका प्रूफ एनसीईआरटी में एक छोटे तरीके से गॉस थ्योरम से हम उससे करेंगे, थोड़ी देर में यही करने वाले हैं. तो ये नियम करेंगे. लेकिन अगर मैं इस इंटीग्रेशन को यूज करूं, सिंप्लीफाई करूं, करते करते मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा कि ई की वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा बाय आर नॉट कॉस थीटा डी थीटा. एंगल्स की मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एंगल है. अब एंगल की लिमिट मैंने कैसे लगाई, बस ये बताना चाहता हूँ. मैं ये नहीं बताना चाहता कि रिजल्ट कैसे आया, मुझे नहीं चाहिए. मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंगल की लिमिट्स कैसे लगती हैं. एंगल की लिमिट्स लगाने का क्या तरीका है? एंगल की लिमिट्स के लिए जैसे सपोज करो ये एक फाइनाइट वायर होती, ठीक है, इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट वायर होती और मुझे यहाँ पर ई निकालना होता. तो रूल नंबर वन, आप इस फाइनाइट वायर का ऊपर का एंगल लेते मान लो थीटा टू और नीचे का एंगल क्या लेते? थीटा वन. तो जो मैंने इंटीग्रेशन करनी थी कॉस थीटा डी थीटा की, उसमें लिमिट कैसे लगती है ये ध्यान से देखना है. ये आर नॉट है, स्ट्रेट लाइन. वायर का एक एंड थीटा वन पे है, वायर का दूसरा एंड थीटा टू पे है. तो जो लोअर एंड है उसका एंगल थीटा वन है, जो अपर एंड है उसका एंगल थीटा टू है. तो लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी इस लाइन के नीचे के एंगल कि लिमिट माइनस थीटा वन. माइनस साइन का मतलब है कि इस लाइन के नीचे का एंगल है. और इस लाइन के ऊपर के एंगल की लिमिट क्या पुट करेंगे? पॉजिटिव प्लस थीटा टू. ये रूल है. तो कभी भी ऐसी फिगर आ जाए जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, नीचे का एंगल और ऊपर का एंगल निकालना हो या लिमिट्स लगानी हो, तो नीचे का एंगल माइनस थीटा टू, ऊपर का एंगल प्लस में, ये याद रखना. तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, मेरे पास जो वायर है वो इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट के केस में मुझे एक चीज़ का आंसर दें, अगर मैंने ये एलिमेंट यहाँ लिया होता तो ये एंगल मेरे पास क्या बनता? मान लो 30 डिग्री. मैं अगर ये एलिमेंट और ऊपर ले लूँ तो एंगल 30 से बड़ा बनेगा. मैं ये एलिमेंट और ऊपर लूँ तो एंगल 60 डिग्री. मैं और ऊपर लूँ 80 डिग्री. मैं और ऊपर लूँ तो एंगल क्या बनेगा? 85 डिग्री. मैं और ऊपर लूँ 88 डिग्री. मैं और ऊपर लूँ 89 डिग्री. मैं और ऊपर लूँ 89.9999999 डिग्री. अब कहीं तो मिलेगा जाके. अब 89.9999 को अप्रॉक्सीमेटली 90 का मतलब सीधा हो गया क्योंकि लाइन इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी का मतलब कि एंगल अप्रॉक्सीमेटली 89.9999 को हम क्या बोलते हैं? 90. इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइंस 90 डिग्री पे मिलेंगी. तो इसलिए जब भी लेंथ इन्फिनिटी हो तो आपने ये एंगल क्या पुट करना है यहाँ पर? 90. और ऐसी नीचे का एंगल भी क्या पुट करना है? -90. तो चेक करें हमने लिमिट क्या लगाई, -π/2 से लेके π/2. तो जब हमने ये लिमिट लगाई तो लिमिट लगा के हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया. तो इनफाइनाइट वायर का आर नॉट डिस्टेंस पे जो आंसर आया वो इसके इक्वल आएगा 1/4πε0 2λ/r0.
ये इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है, लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में कि ई ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बना लेना, और इस डायग्राम के साथ साथ ये फॉर्मूला लिख लेना कि इनफाइनाइट वायर का ई का ये फॉर्मूला है, आर नॉट डिस्टेंस दूर, ठीक है? तो ई का फॉर्मूला आ गया, तो इसमें एक चीज ध्यान से देखेंगे। अब अगर सपोज आपकी जो वायर है वो फाइनाइट है, सपोज ठीक है, इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट है, तो आर नॉट डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है। तो इस केस में सपोज ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा टू, और ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा वन, थीटा टू थीटा वन, राइट? तो अभी मैंने जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा था, कॉस थीटा लिखा था डी थीटा, कहां से कहां तक लिमिट लगेगी बोलो, एक लिमिट लगेगी माइनस थीटा वन, दूसरी लिमिट क्या लगेगी, प्लस थीटा टू, ठीक है? तो इसमें 90-90 नहीं लगेगी, इनफाइनाइट वायर नहीं है, फाइनाइट वायर है, तो माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू। तो इसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट, लिमिट पुट करते हैं साइन ऑफ थीटा टू माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1। प्लीज ये फॉर्मूला नोट करें, फाइनाइट वायर का ये फॉर्मूला नोट करें, ये डायग्राम नोट कर लें और ये सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लें। तो फाइनाइट वायर का फॉर्मूला ये नोट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में फाइनाइट वायर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ई की वैल्यू निकाल लेगा। हाँ भाई, में तो होता नहीं, हाँ इसमें होगा, हाँ इसमें होगा, पर वैसे ही नेट है, नेट ही है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट लेंगे भी तो वो कैंसल होते हैं वो इनफाइनाइट वायर में, क्योंकि उसमें तो एंगल्स का चक्कर ही 90-90 है, तो इसमें एक्स एक्सिस में है, वैसे ये पॉइंट सही है आपका, एक्स एक्सिस में है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है और ई निकालने को आता है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ई की वैल्यू विल बी इक्वल टू वन
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ कितना थीटा 1। तो ई विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू एक एंगल क्या होगा 60, एक एंगल क्या होगा 30। अब इसमें माइनस 30 पुट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, लिमिट्स लगा के माइनस एडजस्ट किया हुआ है। तो आप सीधा आंसर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो वाला डायग्राम बना उसको सॉल्व करें। ठीक, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के अंदर बोलो एंगल्स क्या पुट करेंगे, एक तो 90, इन्फिनिटी का 90 और दूसरे का 0। क्यों? क्योंकि इस लाइन के नीचे अगर लाइन होती तो एंगल कुछ बनता, पर यहाँ वायर है ही नहीं तो एंगल क्या मार्क करेंगे 0। तो आंसर आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई आर नॉट इन टू साइन ऑफ कितना 90 प्लस साइन ऑफ कितना 0। आंसर नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वायर यहां से स्टार्ट हो रही है और ऊपर जा रही है, अब एंगल क्या पुट करेंगे, एक तो 90, दूसरा 30 माइनस 30 की 60, 30 फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो अगर नीचे होगा या ऊपर होगा फिर 30 30 फर्क क्या हुआ, 60। देखो आपको क्या करना है, अब सेम प्रॉब्लम है कि आपकी जो ई की वैल्यू थी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या थी, कॉस थीटा डी थीटा, ये रूल था। और ये रूल तब लिमिट्स कैसे लगती थी कि अगर ये एक वायर है, मान लो फाइनाइट वायर है, लेकिन आपको कोई पॉइंट यहाँ निकालना है, आपको ई यहाँ निकालना है सच दैट ये वाला जो एंगल है सपोज वो कितना है थीटा 1, और ये वाला जो एंगल है सपोज वो कितना है थीटा 2। अब क्या प्रॉब्लम है, इस लाइन के दोनों एंगल ऊपर हैं, नीचे है ही नहीं, तो दोनों एंगल की लिमिट क्या पुट करेंगे थीटा 1 से, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि वायर ऊपर है उस लाइन से, दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव का मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट साइन थीटा। तो लिमिट यहां पर क्या पुट करेंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1। तो प्लीज ये फॉर्मूला लिखें, अगर ये वाला केस आ जाता है कि आपकी जो वायर है वो ऊपर ऊपर ही है, बस ये वायर है, बस ये एक चार्ज्ड वायर है और आपको ई यहां निकालना है, तो फिर फॉर्मूले में प्लस की जगह यहां पर माइनस। तो जिन्होंने माइनस 30 पुट किया था तो भी ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ 30 माइनस 30 माइनस साइन 30 एक ही बात है।
अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ई विल बी इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट, तो एक एंगल क्या पुट करेंगे 90 और दूसरा एंगल क्या पुट करेंगे 30, साइन क्या होगा बीच में माइनस। ठीक है यहां तक? वैसे मैंने केस देखा नहीं पर अभी अभी ख्याल आया कि अगर ऐसे हो, ये वायर हो, ये वायर हो चार्ज्ड वायर और मुझे ये आर नॉट गिवन हो उल्टे एंगल, ये थीटा वन और ये थीटा टू, अब क्या होगा? अब कॉस थीटा की लिमिट में दोनों एंगल नेगेटिव, माइनस थीटा वन से माइनस थीटा टू, फिर वहां से बना लेना जो बनाना है। पर वो ऐसे वैसे देखा नहीं है, देखिए मैंने नॉर्मली यही केस देखे हैं। अगर नहीं ये रिजल्ट काम नहीं करेगा, तो ये स्ट्रेट वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ही काम करता है। ठीक,